समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते रोज आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में सपा को मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी पर हमला बोला है। सपा नेता अखिलेश यादव ने इस बाबत ट्वीट किया, बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के वक्त चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जन प्रतिनिधियों पर दबाव, चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आजादी के अमृतकाल का कड़वा सच। बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव परिणाम के बाद आया है, जिसमें बीजेपी ने दोनों ही सीटें सपा से छीन ली। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने करीब 42,000 मतों से सपा के आसिम रजा को मात दी। वहीं आजमगढ़ में भोजपुरी गायक और बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव को हराया है। बीजेपी के लिए जीत काफी मायने रखती है, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खां और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का गढ़ माना जाता रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, वहीं 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर में सांसद बने थे। अब ये दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में चली गई हैं। वहीं सपा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, बीजेपी की ये जीत बेईमानी, छल और सत्ता का बल, लाठी और गुंडागर्दी का दम, लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना, जोर जबरदस्ती और सरकारी गुंडई और चुनाव आयोग की धृतराष्ट्र दृष्टि और बीजेपी कौरवी सेना की जनमत अपहरण की जीत है। पार्टी ने इसी ट्वीट में आगे कहा, लोकतंत्र लहूलुहान है और जनमत हारा है।